आपका पैलेस्टीनियन से क्या नाता? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नाता तो है, बिल्कुल है, और कोई नाता नहीं है ना। आधे पाकिस्तानियों को अगर मैं मैप के लोगों से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ कश्मीर की जमीन से करते हैं, हम जमीन से भी करते हैं, लोगों से भी करते हैं, लेकिन हाँ, कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, गुजरात का हो, या फिर कहीं और का हो, जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा वो इस देश का दुश्मन है, कहानी खत्म। आप ये नहीं कह सकते, कल भी एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट टीवी पे वो ब्रिगेडियर साहब थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी के साहब वो आदिल अहमद डर है, जो कि सुसाइड बॉम्बर था पुलवामा का, जिसने 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे उसमें खत्म हो गए, वो वीरगति को प्राप्त हो गए 40, तो उसका उसके साथ ज्यादती करी थी, उसको थप्पड़ वप्पड़ मारा था। तो अगर मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, फॉर एग्जाम्पल, एक तो पता नहीं कहां से इन्होंने स्टोरी सुनी है, पाकिस्तान में बैठे बैठे थे, पर इनको स्टोरी सुन गई इनको कि कहीं थप्पड़ मारा था। अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे, कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं भी तो उसको थप्पड़ मारूंगा। मैं ये थोड़ा ना कि थप्पड़ मुझे मारा किसी ने, 40 अनदान बंदों को मैंने मार, ये कौन सा लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आता। ये कैसा माइंडसेट है कि आप किसी को भी मार सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने बात करी आफ्सपा की, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। देखिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पहले नहीं थी कश्मीर में, अब आई है, और इसलिए आई है क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी टेररिज्म की कि पुलिस से और पैरामिलिट्री फोर्सेस से और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से वो संभल नहीं रही थी सिचुएशन, तो आर्मी लाई। आर्मी ऐसे ऑपरेट कहीं नहीं करती, इंडियन आर्मी। अगर आपको आर्मी चाहिए तो आपको दो चीजें कबूल करनी पड़ेंगी। पहली चीज कि आप उस चीज को संभाल नहीं पा रहे, उस सिचुएशन को, इसलिए आपको आर्मी बुलानी पड़ी, वरना आप खुद ही कर लेते, राइट? और अगर आपने आर्मी बुला दी, फिर आर्मी पे वो कानून लागू नहीं होते जो पुलिस फोर्स पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे होते, क्योंकि आप, मेरा मतलब आपसे मतलब जेएनके गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जेएनके गवर्नमेंट। तो आर्मी वहां पे ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये आधे लोग जो लिखते हैं ना आफ्सपा के ऊपर, ये जर्नलिस्ट, दे देमसेल्व्स हैव नॉट स्टडीड द डॉक्यूमेंट। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, इसमें शामिल इंडियन जर्नलिस्ट भी है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, कि भाई तुम पढ़ लो एक बार, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट करने से पहले पढ़ लो, ठीक है? आप सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर की परमिशन के साथ आप इंडियन आर्मी के ऑफिसर के ऊपर एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं। आपने सुना होगा एक दो केसेस जहां पे एफआईआर फाइल हुए हैं रिसेंटली, एक दो साल पहले की बात कर रहा हूं, 30 साल में तो कितने हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आर्म फोर्सेस स्पेशल आर्म्स एक्ट वो जो कहता है ना इम्प्यूनिटी देती है कि आपने, आप जाओ और आपने AK-47 से 50 बंदे मार दिए, कुछ ये सब फिल्मी बातें, ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो जो गिलानी है वो तक नहीं कहता ऐसी बातें। हाँ, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में कुछ स्पेशल पावर्स आर्म फोर्सेस को दे रखे हैं, क्योंकि वहां पे इशू है वहां पे। अब आखिरी मैं जो चीज बताता हूं, ये आपको अगर कुछ भी करना है, आपको अगर कोई भी चीज, अगर आपको ऐसा जिसको आप कहते हैं कि हो सकता है आपको चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो फ्री हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप लोग चाहते हैं ना, आजादी की बात करते हैं पाकिस्तानी, कि कश्मीर फ्री हो जाए, तो कैसी, ये कैसी आजादी है? ये दुख्तराने मिल्लत, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर, ये कैसे कैसे नाम है? ये तो कश्मीरी नाम नहीं है, ये तो उर्दू के नाम नहीं है, ये तो हिंदी के नाम नहीं है, ये कहां से आए ये ग्रुप्स? इनके आधे के लीडर कश्मीरी नहीं है, हाफिज सईद पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर का रहने वाला है, इनका क्या लेना देना कश्मीर से? फिर आप कहते हैं ये लोकल है, तो कौन मानेगा? देखिए, आप यूनाइटेड नेशंस का वास्ता देते हैं, आप कहते हैं कि प्लेबिसिट होना चाहिए, सारे पाकिस्तानी कहते हैं प्लेबिसिट होना चाहिए, राइट? प्लेबिसिट होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का वास्ता देते हैं, यूनाइटेड नेशंस की दो चीज आप अग्री नहीं करते उसी यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है? तो वही यूनाइटेड नेशंस ने तो हाफिज सईद को भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा है, फिर उस यूनाइटेड नेशंस की बात मान रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको हमारे वो नहीं करा। दूसरी चीज, इसराइल की बात ले लीजिए, उसी यूनाइटेड नेशंस ने तो इसराइल को बनाया, आप लोग इसराइल को रिकॉग्नाइज, इसराइल ना आपका हाजमा खराब हो रहा है ना इसराइल का खराब हो रहा है, दोनों मुल्क अपने आप चल रहे हैं बिना इसके, लेकिन आप लोगों ने जो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, राइट, उसके पीछे क्या बात है? मैं एक सवाल आरजू उल्टा आपसे ले लूं, ठीक है, क्योंकि ये 65 वॉर और बाद में जो 5 डे वॉर, सॉरी 6 डे वॉर, योम किपुर वॉर, ये तो बाद में हुए, आप लोगों ने तो डे वन से इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, क्यों नहीं करा रिकॉग्नाइज? एक छोटा सा सवाल मैं भी आपसे पूछ लूं, और देखिए किसी इसराइली को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, मैक्सिमम पीएचडीज प्रोड्यूस कर रही है,
ना पाकिस्तान की सेहत को फर्क पड़ता है ना इसराइल की सेहत को फर्क पड़ता है। मैं एक पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने इसराइल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करा। जी फकर फकर बताएंगे कि डिटेल से नहीं फकर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके क्योंकि बिल्कुल लास्ट मिनट है। जिस तरह कश्मीर की हम बात करते हैं ना और कश्मीर के बारे में आप लोगों को फकर साहब एक बार जरा इसराइल का बता दीजिए, मैं भूल जाऊंगा वरना मैं क्या आप सबसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मेरी मेमोरी खराब है। फलस्तीन के साथ वहां पे आके उन्होंने कब्जा किया, इसराइल का अपना वो मुल्क नहीं है वहां पे। अगर लेट सपोज मैं जाके आपके किसी शहर में मतलब जायदादें खरीदना शुरू कर दूं फिर शहर पे कब्जा कर दूं तो मेरा तो नहीं हो जाएगा ना, वो हिंदुस्तान का ही है या हिंदुस्तान जो वहां के लोग है उनका है। मैं उस पर मतलब ठीक है मैं वहां एक मिनट फलस्तीन के साथ पाकिस्तान उसको कहते हैं बैतुल मुकद्दस को क़िबला अव्वल जहां पे हम लोग सजदे रेज होते हैं मुसलमान, ठीक है। उसके बाद काबा है, सबसे पहले वही था, वो एक हम मतलब मुसलमानों की एक एसोसिएशन है उसके साथ और पाकिस्तानियों की है। कोई उसको मानता है या नहीं मानता, मतलब किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान का एक स्टैंड है और अब से नहीं है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, और इंशाल्लाह ये रहेगा भी जब तक उनको जो फलस्तीनी है उनको अपना राइट नहीं मिल जाता। ये हमारा एक स्टांस है और ये रहेगा। इसी तरह हमारा कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर भी हमारा स्टांस है कि वो लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते। आप बेशक गोली आपने आजमा ली, आपने जंगे आजमा ली, आप लोगों ने आपने उनको मतलब जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से उनको मतलब जेनोसाइड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज फिर 2020 में भी वो लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं तो नहीं कहता, मैं इस्लामाबाद में बैठ के मैं मेरा आज भी ये स्टांस है, मैं हर दफा कहता हूं कि अगर कश्मीरियों को हिंदुस्तान के साथ रहना तो उनको रहने दो भाई, उनको रहने दो उनके साथ, उनके साथ हिंदुस्तान कोई हक नहीं है कि जबरदस्ती उनको अपने साथ। ओके आरजू मेरा, हाँ जी आप कहिए। इसलिए जैसे कश्मीर पे जो है वो इंडियंस का कब्जा है और हम इंडिया को मानते हैं, तो इसी तरह से मेरा तो ये मानना है कि हमें इसराइल को भी मानना चाहिए कि चाहे उसका उस पर कब्जा है फलस्तीन पे या नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज थोड़ी सी कहना चाहिए कि मेरी अपनी सोच कहना चाहिए कि मैं नहीं समझती। आई थॉट एक बात कहना चाहूंगा मैं फकर जी विथ योर परमिशन साहब, ऐसा है इसराइल बना यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से बना, राइट, यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से बना, यूनाइटेड नेशंस के आदेश से बना, उनके ऑर्डर से बना, उस पर वोटिंग हुई, इसराइल बना। इसराइल वहां पे क्यों बना? इसराइल वहां पे इसलिए बना क्योंकि 2500 साल पहले वहां पे इसराइल था, उसके बाद वो लोग चले गए थे और ये सब है, वहां से निकाल दिया गया इसराइलियों को, बट इसराइल वहां पे बना यूनाइटेड नेशंस की ऑर्डर्स से इसराइल बना, फिर आपने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा। दूसरी चीज, आपका पैलेस्टीनियन से क्या नाता? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नाता तो है, बिल्कुल और कोई नाता नहीं है ना। आधे पाकिस्तानियों को अगर मैं मैप दे दूं, कंट्रीज का नाम मैं लिखूं, हो सकता है वो ना दिखा पाए कि कहां पे पैलेस्टीन है। लेकिन एक बात है कि वो मुसलमान, हम मुसलमान तो लाइक भी पंजाबी दे, असी भी पंजाबी दे, हैव फन दैट वे। सो वो चक्कर है ना कि आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, यही तो इशू है आप लोगों का, और तो कोई तो, सुनिए मुसलमान के अलावा एक छोटी सी बात और कर दूं, वहां पे इजरायली मतलब जो इजरायली का मुल्क जो बना सो बना, ठीक है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते या नहीं करते, अमेरिका के उस पे बना बना, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो फलस्तीनियों के पास जो जिसको गजा स्ट्रिप और ये बाकी इलाके कहते हैं उसके ऊपर और गोलान की पहाड़ियों के ऊपर कब्जा, ये क्या चीज है भाई? इसके ऊपर ये थोड़ी हो सकता है कि मतलब लोग वहां पे बैठ जाए कि भाई आप आके यहाँ पे पूरे इसराइल को बता दो। तो सर आपने इतनी बड़ी फौज रखी है, बोल दे जाके गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा कर लेना। मैं एक चीज, मेरी बात आधी रह गई है आप लोगों के बीच में ना, आधी रह गई मेरी बात, हमारी फौज फकर साहब एक शिकायत है फकर साहब आपकी, देखिए फकर साहब जी ये जो पैलेस्टीनियंस का जो दर्द है ना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया जो पाकिस्तानियों के दिलों में दर्द है। एक जमाने में आपका एक मेजर जनरल हुआ करता था ज़ियाउल हक, उसकी बड़ी ना उसका बड़ा राबता था किंग ऑफ जॉर्डन के साथ, बड़ी यारी थी दोस्ती थी, तो शाम को बैठ के दोनों
चाय भाई पीते थे बेचारा, वो सूफी आदमी था ज़ियाउल्लाह, शराब क्या पीता। ब्रिगेडियर था सर, ब्रिगेडियर था, बाद में मेजर जनरल बना वो। तो 1979 में आपको पता है कि जॉर्डन में कितने पैलेस्टीनियंस को पाकिस्तानी आर्मी ने मारा? आप जरा खुद चेक करें और मेरी बात का भरोसा बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी ने, मैं नाम बता रहा हूं ऑफिसर का, उस जमाने का ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो बाद में आपका प्रेसिडेंट बना और आपका आर्मी चीफ बना, डिक्टेटर था पाकिस्तान का, उसने कितने हजार फिलिस्तीनी मारे, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, जो पाकिस्तानी देख रहा है खुद देखे, फिर आपको पता लगेगा कि कितना आप लोग जो दिल में हाय हमारा दिल टूट गया फिलिस्तीनी, हाय हमारा गाजर मूली, इतने तो इजरायलियों ने नहीं मारा जितना ज़ियाउल हक ने निपटा दिया, पहली चीज। और हजारों की आप खुद खुद पता लगाइए, मैं नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे फिर लोग बोलेंगे साहब ये तो गलत बोल रहे हैं मेजर साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा, खुद पता लगा लो। दूसरी चीज मैं पता लगाना बताऊंगा आपको, ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं ना गोलान हाइट्स पे कैप्चर हुआ, और ये जो आप कह रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप की बात, ये बहुत बाद में हुआ है। इसराइल 46, 47, 48, तीन साल बता रहा हूं, 46, 47, 48, राइट, पाकिस्तान 14 अगस्त, ठीक है, 1947, आपने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करा इसराइल को? अगर आप रिकॉग्नाइज करते और फिर बाद में बोलते कि तुमने गलत काम कराया हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, तुमने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, तुमने गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया, हम तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ते हैं, तो मुझे बात समझ में आ जाती कि हाँ आपने मॉरल स्टैंड।